दोस्तों सबसे पहली डिटेल से पता चलेगा कि फिल्म के हर कैरेक्टर पे कितना सोच के काम हुआ है। फिल्म में आद्या लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बाबटपुर में उतरती है। वो कल सुबह 6 बजे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बाबटपुर में उतरेगी। अब इंडिया में इतने सारे बड़े एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन बाबटपुर ही क्यों? तो आद्या एक ही काम से इंडिया आती है, वो है उसकी माँ की अस्थियों का विसर्जन करने। और उसने अगर US में इंटरनेट पे सर्च किया होगा कि विच घाट इज द बेस्ट फॉर अस्थि विसर्जन इन इंडिया, तो डेफिनेटली उसे आंसर मिला होगा वाराणसी के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट। यानी उसे अस्थि विसर्जन के लिए वाराणसी आना था और उसके लिए इंडिया का सबसे करीबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बाबटपुर, जिसे वाराणसी एयरपोर्ट भी बोलते हैं। हमारे बहुत से रिव्यूअर्स के अकॉर्डिंग अगर फिल्म में लॉजिक ही नहीं होता तो डायरेक्टर उसे आराम से किसी भी बड़े एयरपोर्ट पे उतारते, लेकिन इन्हें कौन समझाए, प्रशांत नील ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में भी लॉजिकल सोचते हैं। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रील डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। पिछले वीडियो में हमने कुछ सो कॉल्ड रिव्यूअर्स को इस फिल्म का लॉजिक समझाया था। उसमें हमने देखा था कि नारंग को मारने के बाद क्यों मन्नार आर्मी देवा को नहीं मारती, देवा की माँ देवा के हाथ में एक प्लास्टिक चाकू देख के इतना क्यों रिएक्ट करती है, और देवा को इस फिल्म में इतना पावरफुल क्यों और कैसे दिखाया है। ये सब लॉजिकली समझाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि इस वीडियो में उन डिटेल्स के बारे में हम बात नहीं करने वाले। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे पॉइंट पे। पूरी फिल्म में वरदराज मन्नार 2 बार देवा को सलार बोलता है और दोनों बार देवा को दिखाया जाता है और फिर टाइटल स्क्रीन पे आता है। एक बार जब वरदा छोटा होता है तब और दूसरी बार एंड वाली फाइट के बाद सलार बोलते ही अगेन पहले देवा को दिखाया जाता है और सलार पार्ट 2 का टाइटल आता है। पहली बार जब वो सलार बोलता है तब देवा एक वादा करके जाता है और दूसरी बार जब वो सलार बोलता है तब वही वादा देवा निभाता है। उसके बाद बहुत लोगों को और मुझे भी एक सवाल फिल्म देखने के बाद सता रहा था कि अगर पूरा खानसार 101 भागों में बट गया था और वोटिंग के दिन भी हमने देखा था कि नारंग और उसके बेटे के 4 वोट छोड़े तो 97 वोट्स हुए थे, यानी तभी भी टोटल वोट्स थे 101। लेकिन जब बिलाल ने इन्फॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग 1 वोट की ताकत वाले 61 कापर यानी 61 वोट्स, 3 वोट की ताकत वाले 8 सरदार यानी 24 वोट्स और कर्ता के 15 वोट्स यानी टोटल होते हैं 100 वोट्स। तो ये 1 वोट गया किधर? तो मुझे इसका जवाब दूसरी बार फिल्म देखते वक्त तब मिला जब छोटा वरदा अपना सरदार वाला कड़ा निकाल के देता है। तब आप नोटिस कर सकते हो कि उसके पास एक और कापर वाला कड़ा भी था, यानी तभी वरदा के पास सरदार के 3 वोट्स और कापर का 1 वोट, ऐसे 4 वोट्स की ताकत थी। और इसीलिए रंगा के बाप को सरदार वाला कड़ा देने के बावजूद एंड वाली वोटिंग में वरदा एज अ कापर वोट दे पाता है। तो हो सकता है जैसे वरदा के पास तभी 2 कड़े यानी 4 वोट्स की ताकत थी, वैसे ही 2010 में भी किसी और सरदार के पास एक एक्स्ट्रा कापर वाला कड़ा भी हो सकता है, या फिर किसी कापर के पास 1-1 वोट वाले 2 कड़े हो सकते हैं। और इसीलिए टोटल लोग 100 है लेकिन वोट्स 101 है। अब देखते हैं कुछ छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट डिटेल्स। एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी एरिया में जहाँ CCTV ज्यादा संख्या में होते हैं, वहाँ से आद्या को किडनैप करते वक्त ये लोग उनकी गाड़ियाँ ट्रेस ना हो इसीलिए गाड़ियों की नंबर प्लेट्स निकाल देते हैं। वहीं टिनसुकिया जैसे बिना CCTV वाले एरिया में जाते वक्त ये लोग प्रॉपर नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियाँ लेके जाते हैं। उसके बाद आद्या को जिस हाथ से ये गुंडा खींच के लेके जाता है वही हाथ देवा यहाँ इस फाइट में तोड़ देता है। उसके बाद सलार में देवा का ये वाला एक्शन प्रभास सर की फिल्म मिर्ची का कॉल बैक था। चलिए आते हैं वापस बड़ी डिटेल्स की तरफ। अब बात करते हैं इसके KGF से कनेक्शन की, यानी देखते हैं कि ये कैसे KGF से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हो सकती। रुद्रा और KGF का गरुड़ा ये दोनों एक ही एक्टर है, तो क्या रुद्रा और गरुड़ा एक ही यूनिवर्स का कैरेक्टर हो सकता है या फिर क्या उनमें कोई रिलेशन हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, गरुड़ा KGF में 1979 में ही मारा जाता है और यहाँ 1985 में रुद्रा सिर्फ 10-15 साल का होगा, तो डेफिनेटली ये गरुड़ा तो नहीं हो सकता। अब आप लोग बोलोगे कि क्या भाई, ये तो हमें पता है। हाँ, मैं भी मानता हूँ फिल्म एक बार देखने से ये क्लियर हो जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मे बी राज मन्नार की पहली बीवी गरुड़ा की गर्लफ्रेंड हो सकती है। जो सलार के अंदर रुद्रा का बाप दिखाया गया उसकी 2 बीवी थी, तो क्या पता एक बीवी गरुड़ा की गर्लफ्रेंड हो जो कि प्रेग्नेंट हो गरुड़ा से। ऐसे लोगों की वजह से ये आसानी से दिखाई देने वाली चीजें भी बतानी पड़ती है। तो सुनो, इसके फर्स्ट फ्रेम में ही समझ आता है कि KGF और सलार का कोई कनेक्शन नहीं हो सकता और फरमान तो सलार किसी भी हालत में नहीं हो सकता। यहाँ एकदम स्टार्टिंग वाले फ्रेम में ही हमें ईयर 1985 दिखाया जाता है जहाँ देवा
सिर्फ 10 साल का है और KGF में 1979 में फरमान इतना बड़ा था। उसके बाद सलार की माँ जो शौर्यंगा कबीले के सरदार धारा की वाइफ है वो 1981 तक KGF में और बाद में खानसार में आई, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद देवा जब खानसार में एंटर करता है तभी महारा में लड़की काली माँ की तरफ देख के नहीं पीट करके पूजा करती है ताकि उन्हें बचाने के लिए भगवान नहीं आ रहे तो शायद कोई राक्षस ही आ जाए। तू बोली ना कोई भगवान आने वाला, तू पीट करके पूजा कर रही है, शायद बचाने कोई राक्षस आ जावे। देवा, यानी यहाँ देवा को एज राक्षस रेफर किया है और उसके बाद किस्सों में सॉन्ग में भी देवा को अगेन एज अ राक्षस ही रेफर किया है। इस गाने में बताया है एक राक्षस के विनाश के लिए एक नायक आता है लेकिन वो उस नीच का अंत करके वैसा ही दानव यानी राक्षस बन जाता है और यही राक्षस वाला रूप उसकी माँ देखती है, इसीलिए एक प्लास्टिक का चाकू देवा के हाथ में आने से वो इतना ज्यादा रिएक्ट करती है। अपना देवा भी एकदम जॉन विक है, यहाँ देवा के हाथ में प्लास्टिक का चाकू और जॉन विक के हाथ में एक पेंसिल। अब यहाँ जो देवा की माँ का डर है वो उसके बेटे के लिए नहीं है, ये डर है उसके आसपास के लोगों के लिए। देवा खतरे में नहीं है, देवा खुद ही खतरा है। अब एक डिटेल जो आई थिंक बहुत लोगों ने नोटिस की होगी, वरदा नारंग के पास जाके उसके बेटे के किए हुए अपमान के बारे में बताता है। तब नारंग बोलता है अगर तुम्हें अपमान नहीं सहन हो रहा तो अपना सर काट के मेरे पैरों में रख दो। और आयरनी देखिए बाद में उल्टा देवा ही नारंग का सर काट के वरदा के पैरों में डालता है। उसके बाद जब देवा खानसार में एंट्री करता है वो अकेला ही होता है और उसके पीछे सिर्फ वो कार है जिस कार से वो यहाँ आया था। लेकिन जब वो गेट के अंदर आता है बहुत सारी बड़ी आर्मी, वॉर टैंक्स, ट्रक्स, हेलीकॉप्टर आते हुए दिखते हैं जो देवा का वन मैन आर्मी जैसा होने को इंडिकेट करता है। उसके बाद फर्स्ट सॉन्ग में भी बोल के हमें वही इंडिकेट करने की कोशिश की है। फिर बहुत लोगों को फिल्म में बिल्डअप बहुत ही ज्यादा लग रहा था, बिल्डअप बहुत लंबा खींचा। अरे भाई यार। हाँ भाई बिल्डअप तो था लेकिन जब वो पे ऑफ होता है डबल मजा आता है और ये प्रशांत सर को पता है, उन्होंने उससे रिलेटेड एक डायलॉग भी डाला है। बहुत हुआ तेरा बिल्डअप, रोज सबको तू इतना वेट करवाएगा। तो ये एक्स्ट्रा बिल्डअप गलती से नहीं जानबूझ के डाला हुआ है। तो भाइयों इस पे इतना मत इतराओ कि ये गलती आपने ढूंढ के निकाली है, ये इंटेंशनली ही किया गया था। उसके बाद बहुत से कमबैक डायलॉग्स भी है जैसे ये वाला, छोड़ दिया रे। फिर यहाँ उसका कमबैक डायलॉग आता है, छोड़ दिया ना। उसके बाद ये वाला, दो मिनट देना जानू मस्त सजा कर लाती हूँ। उस पे अगेन ये देवा का कमबैक डायलॉग, दो मिनट दो अभी तैयार करता हूँ। उसके बाद फर्स्ट फाइट सीन के बाद जब देवा का ठिकाना सबको पता चलता है, देवा की माँ एक मैप लेके देख रही होती है, वो बोलती है गांव से गांव भागते ही जा रहे हैं, अब यहाँ से कहाँ जाएं? वो लोग बहुत जगहों से ऑलरेडी रहकर अब यहाँ आए थे ये मैप में देखकर पता चलता है। खानसार इंडिया के मैप में एकदम वेस्ट साइड में है और ये लोग वहां से निकलकर धीरे धीरे इंडिया के दूसरी साइड यानी बहुत ही ईस्ट साइड ऑलरेडी आ चुके हैं जो हम इंडिया के मैप में भी देख सकते हैं। ये खानसार एकदम वेस्ट में यही कहीं पे दिखाया है और ये देवा का अभी का ठिकाना आसाम में किया जो एकदम बॉर्डर पे एकदम ईस्ट में है और इसलिए उसकी माँ लिटरली फ्रस्ट्रेशन में बोलती है अब यहाँ से कहाँ जाएं क्योंकि अब और ईस्ट साइड जाने के लिए कुछ है ही नहीं। उसके बाद महारा वाले फाइट सीन के बारे में बताने के बाद बिलाल बोलता है पता नहीं देवा ने वहाँ इतना वायलेंटली रिएक्ट क्यों किया। तब आद्या बोलती है कि वो सभी औरतों में अपनी माँ को देखता है, जो हिंट हमें डायरेक्टर ने आद्या के बताने से पहले ही दी थी। वहाँ क्या चल रहा है ये जब देवा फिगर आउट कर रहा होता है उसी टाइम हमें देवा बचपन में माँ को बचा रहा होता है उसके ग्लिम्पसेस दिखाए जाते हैं। अब ये वाला डिटेल बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस फिल्म में क्लियरली महाभारत का रेफरेंस दिया है। महाभारत में जैसे कर्ण जो सही में राजा बनने का हकदार था लेकिन वो अपने लोगों के यानी पांडवों के खिलाफ जाके अपने दोस्त दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था, वैसे ही यहाँ सेकेंड पार्ट में देवा कर्ता बनने का सही हकदार होने के बावजूद भी दोस्त को दिए हुए वचन को निभाने के लिए अपनी ट्राइब के खिलाफ जाके वरदराज मन्नार को कर्ता बनाएगा। अब इस डिटेल से ये तो थोड़ा क्लियर हो जाता है कि सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है। यहाँ वरदा और देवा को बहुत से दुश्मनों के साथ लड़ना होगा। यहाँ मन्नार ट्राइब के दो फ्रंट्स होंगे, एक है जहाँ रुद्रा अपने मामा के साथ होगा, वहीं दूसरा मन्नार फ्रंट होगा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हार्ड टू बीट राज मन्नार का। उनके पास आर्मी भी बड़ी होगी और इस फ्रंट पे वरदा को इमोशनली भी लड़ना होगा क्योंकि सामने होंगे उसके पिता। उसके बाद तीसरा है घनियार ट्राइब का फ्रंट जहाँ उनके पास लोग भी ज्यादा होंगे और वेपन डील की वजह से हथियार भी बहुत होंगे। उसके
उसके बाद सबसे एंड में है शौर्यांगा फ्रंट, जो राज करने के मूड में तो नहीं है, लेकिन उन्हें पूरे खानसर के सिस्टम को ही बदल के रखना है। तो कोई थ्योरी बनाने से पहले हमें क्या कुछ पता है ये देखते हैं। 2017 में बहुत से नए नियम बन गए हैं, ये सील का भी नया ही मैटर है, और ये सब चेंजेस देवा ने ही किए थे। फिर हमें ये भी पता है कि शौर्यांगा ट्राइब देवा को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वहीं वो लोग दोनों मन्नार फ्रंट को, यानी राज मन्नार और रुद्रा वाली फ्रंट को अपना दुश्मन मानती हैं। लेकिन अगर देवा ने शौर्यांगा ट्राइब को तीसरे मन्नार फ्रंट यानी वर्दा को सपोर्ट करने बोला तो वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो वर्दा की वजह से देवा यानी उनके नायक का बेटा बच गया था, और वर्दा खुद उन्हें अच्छे शासन का भरोसा दिलाएगा। तो ये हो सकता है कि वर्दा को शौर्यांगा ट्राइब का सपोर्ट मिले, और इसीलिए हम इतने सारे दुश्मन होते हुए भी 2017 में वर्दराज मन्नार को कर्ता बने हुए देख सकते हैं। और जो लोग राज मन्नार, राधा रमा और रुद्रा के साथ थे, उन्हें खानसार के बाहर किसी को छत्तीसगढ़ और किसी को हैदराबाद में देख पाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, देवा और वर्दा में 2010 में दुश्मनी कैसे हुई होगी? क्योंकि एक बात तो तय है, ये दुश्मनी 2010 में ही हुई होगी, इसीलिए बिलाल 2017 में स्टोरी शुरू करने से पहले ही ये डायलॉग बोलता है, जब दो जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। तो मुझे लगता है, और ये सिर्फ मेरा प्रिडिक्शन है जो सही भी हो सकता है और गलत भी, कि वर्दा एक अच्छा शासक होगा, लेकिन उसके साथ वाले बचे हुए मन्नार कबीले के लोग उसका फायदा उठाते होंगे और खानसर में मनमानी करते होंगे। और इसमें सबसे आगे होगा वर्दा का भाई बाची, क्या पता वो दूसरा विष्णु बन गया हो और इसीलिए देवा ने उसे मारा हो। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है, तो इसके दो हिंट्स हमें फिल्म में मिलते हैं। एक तो ये प्रोमिनेंट सीन जहां वर्दा देवा को अपने भाई के बारे में डर लगता है ऐसे बोलता है, और दूसरा इस सीन में ये बंदा जिनका नाम है रिंदा, ये बाची का एकदम खास था। इसको जब नेपाल में डिलीवरी के लिए बोला जाता है तब वो बोलता है, चलो अब नेपाल की लड़कियों को ताड़ लूंगा। यानी हो सकता है बाची और रिंदा लड़कियों के शौकीन थे, और अगर सच में बाची दूसरा विष्णु निकलेगा और देवा उसे मारेगा तो यही देवा और वर्दा में दुश्मनी का कारण बनेगा। अब वीडियो खत्म करने से पहले एक सवाल है आपके लिए, जिनका ऑफ कोर्स फिल्म में तो जवाब नहीं था, लेकिन आपको क्या लगता है इस पंडित का क्या मैटर है और इससे लोग इतना डरते क्यों है? आपके जवाबों का इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में, आइए अपनी अपनी थ्योरीज लेके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।